फ्रेंड्स, मैं हिशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पोर्ट डेकोरेशन का आइडिया। तो बनाएंगे इसे दो अलग अलग टेक्निक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी देरी के। बस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक पोट। ये पोट मैंने लिया है अमेजोन से। तो अंदर से ये काफ़ी ग्लॉसी है और बाहर से मैट फिनिश के साथ है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने पहली टेक्निक जो यूज़ की है वो ये है ट्रांसफ़र शीट वाली। तो डेको ट्रांसफ़र शीट है मेरे पास ये लिटिल बर्डी की। इसे मैंने लिया है इट्सी बिट्सी के ऑनलाइन स्टोर से। तो आज हम ये फ्लोरल डिज़ाइन इस पर यहाँ पर लगाएंगे। तो और साथ में हम यूज़ करेंगे ये परमानेंट मार्कर, पेंट मार्कर है ये। और तो सबसे पहले तो हम इस शीट को कट कर लेंगे अपने पोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला पार्ट मुझे लगता है अपनी पोर्ट के ऊपर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब जब भी हम ट्रांसफ़र शीट यूज़ करते हैं तो सबसे उसकी एक अहम बात ये होती है, मतलब इसकी कटिंग बहुत अच्छे से करें, जितना हो सके एज टू एज करें, ताकि वो बनने के बाद जो है पता ना चले कि कोई पेपर आपने ऊपर कोई स्टिकर या पेपर स्टिक किया है, बल्कि वो नेचुरल हैंड प्रिंटेड लगना चाहिए। तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना इसको एज टू एज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कर लेते हैं इसकी कटिंग पहले फटाफट। देखिए कटिंग हो गई है। थोड़ा सा किनारा मैंने इधर बड़ा हुआ रखा है ताकि यहाँ से हम इसको पकड़ सकें। तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसको रिमूव करना होता है। तो इसके ऊपर जो क्लियर फिल्म है हम इसको पहले हटा लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये रिमूव हो जाती है इसके ऊपर से। अब ये ऊपर से बहुत ही स्टिकी होता है तो बहुत ध्यान से आपको इसको छूना है, इसलिए मैंने साइड में एक बड़ा हुआ कॉर्नर रखा है ताकि हम वहाँ से इसको पकड़ सकें। और इसको जहाँ पर भी हमें प्लेस करना है या जिस भी पोजीशन में हमें प्लेस करना है अपने पोर्ट के ऊपर, उस पोजीशन में हम इसको रखेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पर पेस्ट करूँगी, स्टिक करूँगी, क्योंकि ये एकदम इसके साइज़ का है तो मुझे कहीं से इसको कट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि मेरा पोर्ट जो है थोड़ा सा कर्वी है तो उसको बहुत ही ध्यान से हमें यहाँ पर स्टिक करना पड़ेगा। तो पहले फिंगर की हेल्प से हमें बहुत अच्छे से इसको प्रेस करते हुए इस तरह से हम यहाँ पर इसको चिपका लेंगे। और जहाँ से हमें लग रहा है कि बबल आ पाएंगे या रिंकल पड़ सकते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा कट करके हम इसको यहाँ पर स्टिक करेंगे। तो देखिए मैंने एक कट यहाँ पर नीचे लगा लिया है ताकि जब हम इसको जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए तो बाद में इसमें कोई भी रिंकल जो है फील ना हो। तो बहुत ही अच्छे से पहले हम इसको स्टिक कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मेरा डेको ट्रांसफर शीट जो है यहाँ पर स्टिक हो गई है। तो अब हमें इसका जो इस शीट के ऊपर जो प्रिंट होता है उसको पोर्ट के ऊपर लाने के लिए हमें इसके ऊपर वाटर अप्लाई करना पड़ता है। तो वाटर अप्लाई आप स्पॉन्ज की हेल्प से कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाटर ब्रश पेन ले रही हूँ। तो मकसद हमारा सिर्फ इसके ऊपर पानी लगाना है। तो आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर पानी अप्लाई कीजिए अच्छे से और इस तरह से उसको अपनी फिंगर्स के साथ दबाते रहिए ताकि वो जो शीट के ऊपर जो प्रिंट है वो पोर्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें अच्छे से पानी लगाते हुए इसको अच्छे से दबाते रहना है। दबाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा पोर्ट जो है ऊपर और नीचे से कर्वी है तो उसको बिल्कुल पोजीशन पे लाने के लिए हमें ऊपर से अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा इसको। तो बार बार हम इसको प्रेस करेंगे और बार बार पानी लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, आराम से करने वाला काम है ये, जल्दबाजी वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि 7 से 8 मिनट तो इसको पानी अप्लाई करने में मेरे निकल गए थे, तो इसलिए मुझे इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा। तो अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ये अभी भी स्टिकी है तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी हम और लगाकर अच्छे से इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही आराम से निकल आएगा और इसका सारा प्रिंट जो है हमारे पोर्ट पर अच्छे से फिक्स हो गया है, शिफ्ट हो गया है।
इतना सुंदर इसका इफेक्ट आया है। अब हम एक ड्राई ब्रश लेकर यहाँ इस तरीके से इसके ऊपर चलाएंगे। हल्के हाथ से हमें अपना ड्राई ब्रश इसके ऊपर चलाना है ताकि जितने भी इसमें एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। हालांकि हमने बहुत कोशिश की थी इसको कि इसके ऊपर एयर बबल ना पड़े, हमने ऊपर से कितने अच्छे से इसको दबा दबा कर लगाया था, लेकिन इसके ऊपर एयर बबल फिर भी पड़ ही जाते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें एक ड्राई ब्रश से इसको इस तरीके से क्लीन करना है। वाइप से इसको सुखा लेंगे, जो इधर उधर पानी लगा है उसको हटा देंगे, क्योंकि अब हम अपनी दूसरी टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो है ये चॉक पेंट वाली। तो ये चॉक पेंट मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पूरे पॉट के ऊपर अब हम ये चॉक पेंट अप्लाई करेंगे। देखिए चॉक पेंट का जो मैंने कलर बनाया है वो अपने जो डेको ट्रांसफर शीट का बेस कलर है उसके साथ मिलता हुआ बनाया है, ताकि वो पता ना चले कि हमने उसको कोई शीट यहाँ पर अप्लाई की है। बिल्कुल वो मर्ज हो जाएगा, शीट जो है हमारी चॉक पेंट के साथ मर्ज हो जाएगी, देखिएगा। तो अब हम एक स्पॉन्ज के पीस के साथ इसको यहाँ पर डैब करते हुए अच्छे से कलर जो है हमारा चॉक पेंट जो है इस पूरे वॉश के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। तो तकरीबन एक घंटे बाद देखिए कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आई है इसमें पेंट की। तो अब मेरे पास ये परमानेंट मार्कर है, ये भी मैंने इट्सी बिट्सी के ऑनलाइन स्टोर से लिया था, ये पेंट मार्कर होते हैं। तो इससे हम पूरे पॉट में इस तरह से छोटे छोटे हार्ट बना लेंगे। जब ये पूरा बन जाएगा तो चारों तरफ से पता नहीं चलेगा कि हमने हाथ से पेंट किया है या फिर हमने कुछ स्टिक किया है इसके ऊपर, क्योंकि हम जो इसके ऊपर हार्ट बना रहे हैं अभी इसको और फिनिशिंग देंगे। तो वीडियो भी यहीं पे फिनिश नहीं हुआ है फ्रेंड्स। इसको परमानेंट कैसे बना सकते हैं आप, कि आप इसको गीले कपड़े से साफ भी कर सकें पॉट को, तो वो भी मैं बताऊँगी, वीडियो पूरा देखिएगा। तो अब इसको फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक आउटलाइन इसकी देनी है। तो अब इस तरह से एक परमानेंट ब्लैक मार्कर लेकर हम इसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे, हार्ट्स की जितने भी हार्ट हमने बनाए हैं उनकी इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे। रैंडम आउटलाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग पर ध्यान देकर नहीं करेंगे। अगर हम बहुत इसको फिनिशिंग से आउटलाइन करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो कहीं से अगर फीकी रह रही है, कहीं से डार्क हो रही है, या फिर थोड़ी बहुत इसके हार्ट के आगे पीछे जा रही है, तो इट्स ओके, उसको होने दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा उसका जो लुक आएगा लास्ट में वो रहेगा। ये देखिए कितना प्यारा हमारा पॉट जो है बनकर रेडी हुआ है। अभी एक जो फाइनल काम है वो हमें करना है इसके ऊपर वार्निश। तो वार्निश वाला स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे पास है लिटिल बर्डी की ये वार्निश, अगर आप वार्निश का स्किप करेंगे तो ये हमारा डेको ट्रांसफर शीट जो है वो निकल जाएगी कुछ दिन में। तो इसको परमानेंट बनाने के लिए हमें वार्निश करना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। तो वार्निश के हम दो कोट करेंगे, पहले एक कोट करेंगे उसको सुखा लेंगे, उसके बाद फिर से सूखने के बाद एक और कोट करेंगे, और फिर ये आपका एकदम परमानेंट हो जाएगा। फिर आप चाहे तो इसको गीले कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं ये पॉट इस तरह के पॉट बनाकर घर में यूज़ करती हूँ, तो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है ये। तो ज़रूर से बनाइएगा इस तरह के पॉट, अपना घर सजाइए, और चाहे तो आप किसी को गिफ्ट कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।